अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। इस व्लॉग में हम बात करेंगे यमन की ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के वाले से। सैटेलाइट इमेज जो सामने आए हैं उनमें क्या इंकशाफात हुए हैं मिज़ाइलों के बड़े स्टोर्स के वाले से, और इसके साथ बात करेंगे इसराइली एक बड़ी एयरबेस पर गाइडेड मिज़ाइल हमला हुआ है, और साथ साथ कश्मीर की सूरत हाल की बात करेंगे जहाँ एहतजाज बदस्तूर जारी है, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी क्यों ना हो सकी, मारूफ सहाफ़ी शाहिद असलम के इंकशाफात पर बात करेंगे, और साथ साथ कुछ नर्सों का एहतजाज भी जारी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, इराकी इस्लामी मुज़ाहमत ने मकबूज़ा इलाकों के जनूब में वाक़ रामोन एयरबेस पर मिज़ाइल हमले का ऐलान किया है। इराकी इस्लामी मुज़ाहमत ने अपने बयान में कहा है कि हमने आज सुबह मकबूज़ा इलाकों में रामोन एयरबेस को निशाना बनाया है। बयान के मुताबिक ये हमला अल अरकब के अपग्रेडेड किस्म के क्रूज़ मिज़ाइल के ज़रिए किया गया, यानी आप समझ लें कि इराकी मुज़ाहमत के पास क्रूज़ मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। ये एक और बड़ी जो है वो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए चौंका देने वाली कैफियत है कि अपग्रेडेड अल अरकब जो है क्रूज़ गाइडेड मिज़ाइल के ज़रिए हमला किया गया है। और उन्होंने कहा है कि यह हमला गज़ा की पट्टी में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली हुकूमत के जराइम और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की हमायत के जवाब में किया गया है, और इसका सिलसिला जारी रहेगा। पिछले 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं इराकी इस्लामी मुज़ाहमत की जानिब से बार बार मकबूज़ा इलाकों के अंदर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें हैफा पर हमला शामिल है, जिसमें गोलान हाइट्स पर हमले शामिल हैं, इसी तरह इलात पर हमले शामिल हैं, तिनबेब पर हमले शामिल हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में उनका हमला जारी है, और ये हमला रामोन एयरबेस पर किया गया है। इसके साथ साथ बात करते हैं यमन के हवाले से, कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आए हैं जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। यमन की ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाने और मिज़ाइल स्टोर बनाने की सलाहियत जो है वो सामने आई है, जिस पे वो तेज़ी से अमल पैरा है। सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि यमनियों ने न सिर्फ पुरानी सुरंगों की मरम्मत की है बल्कि इन्हें अपग्रेड ऑपरेशनल और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया है, बल्कि नई सुरंगें भी बनाना शुरू की हैं। ईरान की जो एजेंसी है इरना, उन्होंने ये स्लाइड फ़ोटो जारी किए हैं। यमनियों का ये मंसूबा मुस्तकबिल में सुरंगों का एक वसी नेटवर्क बनाएगा, और शायद मुस्तकबिल के शहर और मिज़ाइल का स्टोर भी इसका हिस्सा हो। यमन जो है वो मुसल्लत करदा जंग के दौरान का ये एक दौर जो उन पर गुजरा, उन पर एक जंग मुसल्लत रही, उसके खात्मे के बाद वाज़े तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की उनके तजर्बात की पैरवी करता दिखाई दे रहा है। जब मिज़ाइल ताकत की तरक्की के साथ साथ ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल लॉन्च सेल्फ और ड्रोन्स और मिज़ाइलों के ज़ेर ज़मीन शहरों का मनसूबा जो है वो शुरू हुआ था, और इसका एक बेहतरीन नतीजा सामने आया है। तो यमन जो है ईरान की पैरवी करते हुए अब अपने हथियार भी खुद बना रहा है, और उसमें खुद कफील हो चुका है, और एक बड़ी जंग के बाद अब उसने अपने आप को खित्ते की एक बड़ी ताकत मनवाना शुरू कर दिया है। बात करते हैं जी पाकिस्तान में एहतजाज की मुख्तलिफ लहरों का, और एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद में नर्सें भी मैदान में आ गई हैं, जिन्हें कुछ रोज़ कबल ही रोज़गार से हाथ धोना पड़ा। ये रिपोर्ट है इस्लामाबाद की, हेल्थ पीट की रिपोर्टर है सबीन शहबाज, इनकी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक नर्सेज के आलमी दिन के मौका पर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो है वो पिम्स की 100 से जायद नर्सें और नर्स स्टाफ जो है वो इंसाफ का मुंतजर है। 1 मई 2024 यानी अब से तकरीबन आप कह लें 12 दिन कबल जो है एक आर्डर के तहत, एक नोटिस के तहत इन सब को ड्यूटियों से निकाल दिया गया था, और ये नर्सें अब सड़कों पर निकल आई हैं। आज एहतजाज में नर्सों ने भरपूर नारेबाजी की है, और कहा है कि वफाकी हुकूमत ने मज़दूरों के आलमी दिन के मौका पर हमारा रोज़गार छीना है, हमें वापस लौटाया जाए। यानी इस हुकूमत ने मज़दूरों का आलमी दिन, जब मेहनत कशों का आलमी दिन, वर्करों का आलमी दिन जो है उस पर शबे खून मारते हुए 100 नर्सिस स्टाफ की जो है नौकरी छीन ली, उन्हें रोज़गार से मजबूर महरूम कर दिया, और अब वो तमाम जो हैं वो सड़कों पर निकल आ रहे हैं, और उन्होंने एहतजाज किया है।
साथ साथ बात करते हैं मारूफ सहाफ़ी शाहिद असलम साहब की इनकशाफात के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जब 9 मई वाक़ियात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया तो कहा गया 2014 के धरने पर भी तहकीकात हों, कमीशन बनना चाहिए। 2014 से 2024 आ गया, आज तक फ़ौज ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई महकमाना कार्रवाई क्यों ना की कि वो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने की मुबैना साजिश में मुलव्वस थे, जिसका जिक्र नून लीग की क़यादत बार आ करती रही है। और ये बात शाहिद असलम साहब ने अपने व्लॉग के ज़रिए की कि एक टेप रिकॉर्ड भी जो है वो उसका भी हवाला उन्होंने दिया कि मौजूद है, हालांकि टेप रिकॉर्ड भी मंजर आम पर आ चुकी थी। उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। अभी ISPR साहब ने कहा कि जनाब अगर 9 मई पे कमीशन की बात करते हैं बनाने की, तो फिर 9 मई 2014 के धरने की भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये DGISPR साहब को 10 साल बाद जाके याद आया कि जो धरना 2014 का उसको भी इन्वेस्टिगेट करवाना है, हालांकि उस वक्त भी टेप रिकॉर्डिंग बाहर आई थी उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम की, कि वो किस तरीके से सारा उस धरने को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे थे। तो क्या कार्रवाई की एज इंस्टीट्यूशन आपने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ? आज तक 10 साल गुजर गए इस बात को, आज तक क्या कार्रवाई की आपने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ, कि आपने किस तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ एक धरने को जो है वो सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, फैसिलिटेट किया? कोई कार्रवाई नहीं आपने की। जी आपने सुना। दूसरी जानब जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक इमरान खान के साइड पर तो मेरी मालूमात ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इस तरफ चलते हैं। दूसरा धरना 2014 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का धरना था, और ये भी हकीकत है कि चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को ये पैगाम दिया गया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम आपके साथ हैं, लेकिन आर्मी चीफ जो है उस वक्त के जनरल राहील शरीफ वो आपके साथ नहीं हैं। अगर आप इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद ले आए तो हम हुकूमत गिरा देंगे और आर्मी चीफ भी मजबूर हो जाएगा। ये जो एक किस्म का लॉलीपॉप जो है एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को दिया गया था, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम इसमें मुलव्वस थे, लेकिन बाद में साबित हुआ कि एक ट्रैप था, एक मकासद के असूल के लिए किया गया एक धोखा था, और वह धोखा जो है वो उसके ज़ेर असर पाकिस्तान अवामी तहरीक भी आई और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आई है। अब बात करते हैं आखिर में कश्मीर में एहतजाज जारी है और आज चौथे रोज़ भी एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से काफ़िले जो हैं 9 अज़ला से काफ़िले चले हुए हैं, और उन काफ़िलों ने आज मुजफ़्फ़राबाद पहुँचना था, लेकिन अब से कुछ देर कबल तक वो तकरीबन बाग के करीब पहुँचे थे। और बहुत से काफ़िले हैं, 10 अज़ला के काफ़िले हैं जिन्होंने अर्जा के मुकाम पर इकट्ठा होना है, और ये इतला मिल रही है कि आज रात वो अर्जा के मुकाम पर ही गुजारेंगे, और कल मुजफ़्फ़राबाद असम्बली का गहराव मुतवक्के है। यानी ये तमाम मुजाहरीन जो कश्मीर भर से मुजफ़्फ़राबाद की तरफ चल रहे हैं, अगर रात को क़याम नहीं करते तो कल अला सुबह ही वो मुजफ़्फ़राबाद में पहुँच जाएंगे, और मुजफ़्फ़राबाद में उनका वहाँ पर जो है स्वागत मुमकिन है रेंजर्स भी करे और FC भी करे, पुलिस भी करेगी, लेकिन बहरहाल वहाँ पे मुजफ़्फ़राबाद में उन्होंने असम्बली के गहराव का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म और काबीना के इस्ताफे का मुतालबा है। रेंजर्स को भेजा है वफाकी हुकूमत ने, नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आ सका, लेकिन रेंजर्स जो है वो कोहाला ब्रिज से वापस चली गई है। अब भेजी क्यों थी और फिर वापस क्यों बुलाई, इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन रेंजर्स अगर वहाँ जाती है तो हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। तो अभी रेंजर्स वापस आ चुकी है। मुजाहरीन का कहना है कि रियासत के साथ हमारे कुछ जायज़ मुतालबात हैं, हमारी कोई जंग नहीं है, लड़ाई नहीं है। अगर उन जायज़ मुतालबात को माना जा सकता है, जिसमें बिजली की लागत का मामला है, तो बिजली की पैदावार लागत पर फरामी का मामला है, इसी तरह आटे की सब्सिडी का मामला है, इसी तरह साथ साथ बलदियाती इदारों को उनके जायज़ इख्तियार देने का मामला है, ये तमाम मुतालबात पर वो डटे हुए हैं, कायम है, और मुसलसल जो है मुजफ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आप तकलीफ़ी इजाज़त दीजिएगा।